हेलो एवरीवन, ये ब्लॉग बहुत दिनों बाद बन रहा है, लेकिन देखो निर्मला क्या कर रही है। आज आपको इस ब्लॉग में कुछ खास अलग सा चीज़ दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे घर के आगे कुछ नहीं था, बट उस जगह को रेनोवेट किया गया है, थोड़ा सा एक गार्डन बनाया गया है और यहाँ पे कुछ फूल वगैरह निर्मला ने लगाया है। तो ये क्या चीज़ का फूल है? गुड़हल का। तो ये गुड़हल का फूल है। साथ में हमने फार्मिंग भी करनी शुरू कर दी है, क्योंकि यहाँ पे जो भी सब्जी आ रहा है बहुत महंगा आता है, तो इस चक्कर में हमने सोचा कुछ थोड़े मोड़े सब्जी की, मतलब कि यहाँ पे खाली जगह है तो उस जगह पे कुछ सब्जी लगा लेते हैं, जिससे कि कुछ हमारे लिए अपना हो जाएगा और कुछ पैसे वैसे बच जाएंगे। बस समझ लो महंगाई इतना है, कुछ नहीं कर सकते। तो अभी ये लौकी का पेड़ है, इतना बड़ा हो चुका है और इसमें एक छोटा सा लौकी भी आया हुआ है, देखो हम दिखा रहे हैं आपको। और इसका एक लौकी आज हम लोगों ने बना के खाया, भी काफ़ी टेस्टी और बहुत अच्छा है। और यहाँ पे कितने सारे पेड़ हैं? अभी तो चार है और इसमें बहुत सारा अभी मतलब कि हो रहा है छोटा छोटा। और मानो को लौकी पकड़ना है, इसको बहुत मज़ा आता है इसको लौकी के पेड़ के साथ खेलने में। और अभी यहाँ पे तो चार पेड़ हैं और आगे भी लगाए हुए हैं उधर पीछे। तो अभी चलिए दिखाते हैं यहाँ से और सारा पौधा है, तो दिखाते हैं क्या क्या चीज़ का पौधा है। पहले तो ये यहाँ पे फूल का पेड़ है, ठीक है, उसके बाद ये लौकी का है, तो यहाँ पे दो लौकी का पेड़ है और एक टमाटर का पेड़ भी है, अभी उसमें हुआ नहीं है बट फूल हो रखा है, देखिए पास से आप लोग। फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे ये बैंगन का पौधा है, ये अभी हो गया है, तो इसको फिर से अभी यहाँ से हटा के और दो दो पेड़ करके अलग अलग लगाएंगे। और दिखाते हैं एक ये है, इसमें अभी छोटा छोटा हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे टमाटर का पौधा लगाए थे जिसमें ये छोटा छोटा टमाटर का पौधा हो गया है। तो ये सब भी अगले संडे में, फिर इस संडे तो बैंगन लगा देंगे, अगले संडे टमाटर लगाएंगे, क्योंकि अभी टमाटर का पौधा बहुत छोटा है। और अभी दिखाएंगे यहाँ पे नींबू का पौधा है, तो ये नींबू देखिए कितना अच्छा हो गया है, इस पर भी 6-7 महीने में तो निकल आएंगे नींबू। और दिखाते हैं चलिए इधर, अभी यहाँ पे बैंगन लगाएंगे तो आप लोग को दिखाएंगे कैसे बैंगन लगाएंगे, ठीक है। और अभी दिखाते हैं यहाँ पे और लौकी लगाए हुए हैं जो वहाँ पे पेड़ पे चढ़ाए हुए हैं, उसमें भी अभी छोटा छोटा फूल हो रखा है, अभी उसमें एक भी निकला नहीं है बतिया, लेकिन फूल लगा है। इस संडे अभी बैंगन लगाएंगे, तो बैंगन लगाने से पहले सबसे पहले क्या करें, तो सबसे पहले पानी लाने जा रहे हैं, पानी लाके और उसमें पानी रख डालेंगे, उसके बाद वो गीला हो जाएगा ना, फिर पौधा को निकालेंगे जड़ से, फिर उसके बाद अलग अच्छे से लगाएंगे। तो आप लोग को चलिए दिखाते हैं ना, पानी डालेंगे, तो अभी पानी लेने आ गए हैं, पानी भर रहा है, फिर उसमें पानी डालेंगे। तो चलिए अभी बैंगन का पौधा है अभी, तो इसमें पानी डालेंगे ताकि ये मिट्टी है ना, मिट्टी गीला हो जाए, ताकि पहले पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद 10 मिनट छोड़ देंगे ताकि यहाँ पे गीला हो जाएगा तो निकालने में बनेगा। जब तक देखिए अलग क्या करते हैं। देखिए अभी बैंगन लगाने के लिए निर्मला पूरा आराम से मिट्टी को तैयार कर रही है, और ये मिट्टी मतलब कुछ ऐसा सही सा है नहीं, क्योंकि घर जब बना था तो घर में से जो भी बेकार का फालतू ईंट पत्थर होता है ना, हमने दीवार के किनारों पर रख दिया था ताकि दीवार को थोड़ा सहारा मिले। तो अभी भी जहाँ मिट्टी निकाल रहे हैं वहाँ पर ईंट पत्थर वगैरह थोड़ा सा आ रहा है, पर फिर भी कोई दिक्कत नहीं, तैयार हो जाएगा, यहाँ लग सकता है। एक तो यहाँ पे लग जाएगा, एक यहाँ पे, थोड़ी थोड़ी दूर पे, एक हाथ की दूरी पे रोक सकते हैं। अभी देखिए जहाँ जहाँ लगाएंगे, ये मिट्टी तैयार कर लिए हैं, इधर और इधर हर जगह मिट्टी तैयार कर लिए। और दिखाते हैं कहाँ पे तैयार किए, यहाँ पे ये सब तैयारी कर ली है मिट्टी, तो अब बीज को निकालेंगे, बीज निकाल के वहाँ से फिर ये सब पर लगाएंगे। बीज निकाल रहे हैं हम, यहाँ देखिए ऐसे निकालेंगे, देखिए देखिए ऐसे निकालना होता है बीज को, तो ये सब बीज निकाल रहे हैं। क्या खासियत होना चाहिए, जैसे सोड़ आना चाहिए? हाँ, इसमें मिट्टी रहना चाहिए, पूरा अच्छे से सोर होना चाहिए, इसमें अगर मिट्टी लगा हुआ नहीं रहेगा तो फिर होगा नहीं, इसीलिए पानी डालते हैं ताकि मिट्टी इसके साथ आए, देखिए ठीक है। तो अब चलिए आप लोग को दिखाएंगे लगा के, बस इतना बहुत है क्योंकि अभी इतना ही तैयारी की है मिट्टी, तो देखिए अभी इतना निकाल लिए हैं, अब देखिए कैसे लगाते हैं। ये दो बीज लिए, एक
साइड और एक इस साइड ऐसे किए और इसमें मिट्टी डाल दी। ये लग गया, अब इसमें पानी डाल दें, ठीक है। ऐसे करके दूसरा लगा के दिखाते हैं। बहुत सारा पौधा लगा देते हैं इसमें से जितना होना होगा। इसमें से भी चांस रहता है खराब होने का? हाँ, इसमें से एक दो खराब हो जाता है। और जो डायरेक्ट लगा हुआ है वो भी खराब हो जाता है। देखिए सारा पौधा लग गया है, अब इसमें पानी डाल रहे हैं। बस बस थोड़ा थोड़ा ही डालिए, अभी ज़्यादा ज़्यादा मत डाल। और जड़ के सामने जाके नहीं, थोड़ा दूर से लगाइए। देखिए वहाँ पे गड्ढा हो गया, सही कर। नीचे तो हो गया है, अब ऊपर छत पे 5 गमला रखे हुए हैं, वो गमला में लगाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं हम लोग का। 5 नहीं 7 गमले हैं यहाँ। हाँ, तो देखिए यही गमला है, ये पापा जी खुद से बनाए थे, खरीद के हम लोग ला लिए हैं बाजार से गमला। ये सीमेंट बच गया था तो ये खुद से बनाए। कैसा है गमला? और मानू को देखिए, मानू क्या कर रहा है? मानू मेरे साथ बैगन है। आजा बाबू पौधा लगाते, आजा आजा, कैसे लगाते, लगा। इसको घुटने में चुभ रहा है छत का, तो घुटना नहीं रख रहा है। वो चुभ रहा होगा बाबू, मिट्टी खाना मत। देखिए ऊपर से मिट्टी उठा के नीचे रख रहा है। बेटा आ जाओ, लगाओ, कैसे लगाते हैं, ऐसे कर, उठ जाओ, लगा के दिखाओ, बस खींचना मत, ऐसे लगा। मानो पौधा लगा रहे, बस हो गया। अब चलो दूसरा, पानी डाल, ले पानी डाल, ऐसे। हाँ बस बस थोड़ा थोड़ा, बस थोड़ा थोड़ा और आगे में डालो, इसमें डालो। उठा 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 के ला, इसमें डालो। लो आ जाओ, इसमें डालो, इसमें डालो, बस बस। तो देखिए मानू भी पौधा लगाया है और अभी मानो घूम रहा है वहाँ पे। देखिए आप लोग को कैसा लगा मेरा पौधा लगाया हुआ और जो सब्जी लगाए हुए वो सब कैसा लगा, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। और प्लीज़ आप लोग को अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।